पिंजौर शहर के प्रेम ऑटो केयर सेंटर में जावा की नई बाइक पैराग की लॉन्चिंग हुई। नई बाइक पैराग की लॉन्चिंग पंजाबी सभा अरोड़ा खत्री उप प्रधान प्रवीण आहूजा ने की। उनके साथ विनोद ओब्रॉय के अलावा प्रेम ऑटो केयर ग्रुप ऑफ चेयरमैन गौरव वर्मा, मैनेजर नीरज सहित अन्य मेहमान मौजूद हुए। नई बाइक पैराग की खासियत गिनाते हुए प्रेम ऑटो केयर ग्रुप ऑफ चेयरमैन गौरव वर्मा ने बताया कि पैराग बाइक सिंगल सीटर 350 cc है और ये इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है और पिंजौर में जावा बाइक मार्केट में उतारी गई है। तो दूसरी बाइक के बारे में जो इनफील्ड वगैरह की बात जो बात हो रही थी उसके मुकाबले ये कहीं अच्छी बाइक है। जावा बाइक काफ़ी अच्छी है, फीचर काफ़ी अच्छे हैं इसमें और जब यूज एक बार यूज करेगा तो अपने आप इसके बारे में लागे भी एक दूसरे को बताते रहेंगे। कि आज के इनॉग्रेशन पे हमें गाड़ी के फीचर्स के बारे में पता लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स हैं और विद इन बजट में फिट हो जाएगी ये गाड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। और हमारी शुभकामनाएँ हैं इनको, इनका शोरूम बड़ा तरक्की करे और ये इलाका खुशहाल बने। बाइक जो है ये 350 cc की है, सिंगल सीटर बॉबर है जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, जो कंपनी फिटेड आ रही है, मतलब इसके अंदर कोई आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, नथिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया ने तो कंपनी ने समझा कि ज़रूरत है तो ये इन्होंने लॉन्च किया 350 cc विद रेडिएटर ड्यूअल ABS के साथ, विद लॉन्ग ABS विद लॉन्ग व्हील बेस के साथ। तो ये अब जो सिंगल सीटर बॉबर पसंद करते थे, मॉडिफिकेशन कराते थे, उनको मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है और एक कम बजट के अंदर गाड़ी थी 350 cc, इन्होंने 195 ओनली जो दी है, जो बाकी कंपनी अगर को लॉन्च करती तो वो 3.5-4 लाख से नीचे कम ना करती। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे इस एरिया के लिए, हमारे पूरे रीजन के लिए कि हमारे पास जावा का शोरूम आया और ये इतनी बेहतरीन गाड़ियाँ जो जावा 42 और जावा क्लासिक और जावा पैराग हमारे पास आ चुकी है, जो कस्टमर हमारे से लेके खुश है। और अभी पैराग की आज से बुकिंग ओपन हो चुकी है और जो डिलीवरीज हमारी होनी है वो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल से होनी है। प्रेम ऑटो केयर ग्रुप ऑफ चेयरमैन गौरव वर्मा ने बताया कि इस जावा पैराग बाइक का कंपटीशन अन्य बाइक से नहीं है, जबकि इसकी बात ही कुछ और है। इसके अलावा लोगों का जावा के प्रति काफ़ी विश्वास भी बना हुआ है। जावा बाइक कंपनी का अपना ब्रांड है और पूरे लोन पर भी इस जावा पैराग को लिया जा सकता है। स्कीम आ चुकी है HDFC बैंक से, तो कस्टमर को अगर कस्टमर के डॉक्यूमेंट हमारे को प्रॉपर मिलते हैं तो हम उसको 100% भी लोन कर सकते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 लाख का 2 लाख का भी हम लोन पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल मेरे पास सारा है, बद्दी, नालागढ़, सोलन, शिमला, पौंटा, पंचकुला एरिया सारा मेरे पास है। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी महिंद्रा टू व्हीलर्स की पहले एजेंसी है जो मैं ऑलरेडी बद्दी में, हिमाचल में, सोलन में चला रहा हूँ। तो इसी बेस में कंपनी ने मुझे दिया कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट पार्टी है, इसी बेस में उन्होंने मेरे को दिया और मैं पूरा एक एरिया टैकल करूँगा जो भी। प्रेम ऑटो केयर सेंटर में जावा कंपनी की नई बाइक पैराग के कई नए फीचर्स हैं, जिसके बारे में आए हुए मेहमानों को पता चला तो वे भी काफ़ी खुश दिखे। इस जावा कंपनी की नई पैराग बाइक का इंजन गर्म नहीं होता है और सिंगल सीट है, इसका अपना अलग से लाइफस्टाइल है और मार्केट में निकलते ही इस जावा पैराग बाइक पर हर किसी की नज़र रुक जाएगी और यह सिंगल सीट में है और हर एक युवा वर्ग इसे लेना ज़रूर पसंद करेगा। अभी हमारी इस जावा की अभी पैराग की भी 2 गाड़ियों की बुकिंग हुई है जी। यहाँ कस्टमर सोचता था यार 1.5 लाख की गाड़ी के लिए मुझे 9 महीने वेट करना पड़ रहा है, 12 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो आप कंपनी ने इस चीज़ को समझा, अब ये हमारी गाड़ी 2 महीने की वेटिंग पे है जो मिनिमम है, 2 महीने से 3 महीने के अंदर वेटिंग में गाड़ी मिल जा रही है। इस बाइक का जो कॉम्पिटिशन है वो और बाइकों के साथ नहीं है, इस बाइक का जो कॉम्पिटिशन है वो रॉयल इनफील्ड से है और रॉयल इनफील्ड से हम कहेंगे कि रॉयल इनफील्ड के साथ भी इसका कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो रॉयल इनफील्ड तो इसका बच्चा है, ये पहले आया इसको चलना सिखाया रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड जो चलना सीखा वो इसी से चलना सीखा, ठीक है ना जी। तो इनको टेक्नोलॉजी का सारा पता है और हमारे इंडिया के अंदर जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने ये पहले गाड़ी चला रखी है, एज ए कमर्शियल गाड़ी भी चला रखी है, एज ए वैसे भी चला रखी है, मतलब ये गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया, तो लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। आप किसी बुजुर्ग से पूछोगे, HMT वालों से पूछो, चाहे किसी से पूछो, सब कहते हैं हाँ हमने यार जावा चलाई है, गाड़ी बहुत अच्छी है। तो यही आगे ट्रस्ट चलता है, ब्रांड चलता है, जो मार्केट में आज की डेट में आप कहीं भी कपड़े भी लेने जाते हो तो भी आप ब्रांड में जा रहे हो, नॉन ब्रांडेड को जाते ही नहीं है, तो ब्रांड एक बन चुका है, डेवलप ब्रांड है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे साथ। तो जितनी भी गाड़ी हमने बेची हैं तो उसमें कोई ट्रबल नहीं है, मेन तो यही होता है कि हाँ कस्टमर अपना वैल्यू फॉर मनी ढूंढता है आज की डेट के अंदर, कि मैं 2 लाख लगा रहा हूँ मेरे को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से तुम्हारी जो ये गाड़ी है वो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अभी जितने भी हमने साल में गाड़ियाँ दी है तो किसी गाड़ी में नथिंग, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हो, बाकी मेजर प्रॉब्लम किसी में नहीं है,
जो रॉयल एनफील्ड के अंदर मेजर प्रॉब्लम भी है, तो हम ये बात से कंपनी भी सेटिस्फाइड है और मैं भी सेटिस्फाइड। प्रेम ऑटो केयर सेंटर में पिछले वर्ष जावा कंपनी का नया शोरूम खुला था, जिसमें पिछले वर्ष 70 से 75 बाइक जावा कंपनी के बिक चुके हैं और इस नव वर्ष में जावा कंपनी की पैराग बाइक की एडवांस में बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिनकी डिलीवरी अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगी।